बिजली बिल में पारदर्शिता लाने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एनआईसी भवन में उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू ने शक्ति भवन लखनऊ से पूर्वांचल और पूर्वांचल के 6-6 मंडलों के मुख्य अभियंता, अवर अभियंता, अधिशासी अभियंता, उपखंड अधिकारी और बिलिंग एजेंसियों के कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किया। मुख्य अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य था कि शासन की नीति के अनुसार गाँव, देहात और शहर सभी जगह उपभोक्ताओं का सही रीडिंग आधारित बिल मिले, जिससे वह समय से बिल जमा कर सकें। अभी ऐसा लग रहा है जो नई एजेंसी बिलिंग के लिए रखी गई है वह या तो अनुभवी नहीं है या क्षेत्र बड़ा होने के कारण वह सही तरीके से बिल नहीं बना पा रही है, जिससे हमें दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो बिल बनाने का पैसा देना पड़ता है, दूसरा उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पाता और समय से बिल जमा ना होने के कारण उपभोक्ता को सरचार्ज भुगतान करना पड़ रहा है। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू ने अवर अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को बुलाया था। अब बिलिंग के लिए सबसे छोटी यूनिट जूनियर इंजीनियर को बना दिया गया है। जिस स्टेशन से उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिलती है वहीं पर उसकी बिलिंग का सारा काम खत्म हो जाता है। उसे एसडीओ या एक्सीएन के दफ्तर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहां जहां बिलिंग की स्थिति खराब है उनसे बातचीत किया गया। इस तरह की वार्तालाप से बिलिंग के स्तर में सुधार आएगा। बिलिंग एजेंसियों के कर्मचारियों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। निष्कर्ष निकला कि मीटर रीडर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। मीटर रीडरों को सुधरने का आखिरी मौका दिया गया। सभी अवर अभियंता को यह बताया गया कि जो मीटर के एक्सेप्शन हैं बिलिंग एजेंसी जो भी चीज़ें बताती है जिस कमी की वजह से रीडिंग का बिल नहीं बन पा सकता उनको दूर करने के लिए यह बैठक बुलाई गई थी। इस संबंध में गोरखपुर नीव संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने कहा, बात हुई थी हिसाब से जो हमारे एक्सेप्शन आते हैं तो उसमें हमारे स्टाफ है 5-10 करते हैं, सारे स्टाफ इसके नहीं है कि मीटर को करेक्ट करते हैं। सर वो सब चली गई, उनकी पेमेंट हो गई, अभी 10% है उनका सिक्योरिटी मनी है 10%। हाँ तो अभी 10% है तो एजेंसी कांट हैव लेफ्ट, तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कभी खत्म होगा तो क्लोजर हो जाएगी। वो इतनी ज्यादा संख्या नहीं है सर जो बता रहे हैं, एक सबस्टेशन पे 26,000 बता रहे हैं। ये आलमपुर डिवीजन थोड़ा सा दिक्कत वाला था, वहाँ पे था और अकबर दो जगह पे ज्यादा निकल के आए थे सर। इसमें इंसेंटिव के लिए भी इन लोग का रखा हुआ है, जो बढ़िया काम करेगा उसको हम लोग अपने हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा। मीटर रीडरों को सरमनी से क्या मतलब, वो तो अधिकारी लेवल पे इट इज इंसेंटिव। मीटर रीडर को कंपनसेट पे अगर आप कम देते हो तो क्या पेमेंट दे दे आप आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मेन पर्पस ये था कि शासन की यह नीति है कि गांव, देहात और शहर सभी जगह उपभोक्ताओं को सही रीडिंग आधारित बिल मिले जिससे वो उसे समय से जमा कर सके। अभी ऐसा हो रहा है कि जो नई हमने बिलिंग एजेंसी रखी है उसमें जो भी आदमी रखे हैं वो या तो अनुभवी नहीं है या क्षेत्र बड़ा होने के कारण वो सही तरीके से बिल नहीं बना रहे हैं।
जिससे हमें दो तरह का नुकसान हो रहा है। एक तो हमें बिल बनाने का पैसा देना पड़ता है, दूसरा उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर पाता है और उसे समय से बिल ना जमा करने पर सरचार्ज का भी भुगतान करना पड़ता है। तो आज की बैठक में प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन श्रीमती अपर्णा यू ने अवर अभियंता स्तर तक के अधिकारियों को बुलाया था, क्योंकि आपके शायद संज्ञान में होगा ये कि अब बिलिंग के लिए सबसे छोटी यूनिट जूनियर इंजीनियर को बना दिया गया है। मतलब जिस स्टेशन से आदमी, जिस स्टेशन से उपभोक्ता को बिजली मिलती है वहीं जाए, वहीं पे ही उसका बिलिंग का सारा काम ख़त्म हो जाता है। अब उसे एसडीओ या एक्सियन के दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की बैठक में सभी जूनियर इंजीनियर, एसडीओ, एक्सियन, एससीओ चीफ इंजीनियर्स को बुलाया गया था। वीसी के माध्यम से जहाँ जहाँ बिलिंग की स्थिति ख़राब थी उनसे मैडम ने इंटरेक्ट कराया है। मुझे लग रहा है कि इस तरह के बात करने से बिलिंग में अपेक्षाकृत सुधार होगा। बिलिंग एजेंसी के जो आदमी थे उन्होंने भी अपनी अपने पक्ष रखा, लेकिन कमोबेश चीज़ यही निकल के आई कि मीटर रीडर सही काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें सुधरने का आखिरी मौका दिया गया और सभी अवर अभियंताओं को ये बताया गया कि जो मीटर के एक्सेप्शन हैं, मतलब बिलिंग एजेंसी जो भी चीज़ें बताती है कि जिनकी कमी की, जिस कमी की वजह से रीडिंग का बिल नहीं बन सकता, उनको दूर करने के लिए ही आज डिस्कशन करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। गोरखपुर का में क्या रिजल्ट आया? गोरखपुर में जब से एजेंसी आई है, शहर में तो स्थिति थोड़ी ठीक है, लेकिन गाँव में कोई भी सुधार इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछले दो साल से सौभाग्य योजना में जो कनेक्शन हुए हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि अभी तक वो लाइन से जुड़े ही नहीं है। सौभाग्य योजना में दो काम होने थे, एक तो नए कनेक्शन दिए जाने थे, प्लस जहां जहां पे लाइनें नहीं थी उन कनेक्शनों को दिए जाने के लिए। उन लाइनों में, लाइनों का काम अभी 31 मई तक पूरा होना है। इस बीच में सारे कनेक्शनों को जोड़ के उनमें बिजली भी चालू करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज की मीटिंग थी उससे परिस्थितियों में काफ़ी सुधार होगा, क्योंकि निचले स्तर पे अभी तक कोई वीसी नहीं हो पाती थी, मतलब जिसमें एसडीओ और जेई शामिल हों, और जबकि इस मौके पर सारा काम उन्हीं को करना होता है। तो आज की उससे मुझे लगता है बेहतर सुधार होगा। अगले बुधवार को फिर वीसी रखी है उन्होंने, तो उसमें देखते हैं, अगर कोई प्रगति नहीं लक्षित होती है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी मजबूरी होगा।